हेलो फ्रेंड्स, मैं हंसिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉक पर। दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स को क्योर करने वाली मेडिसिन पाइलेक्स के बारे में। हम आपको वो सभी जानकारी देंगे जो आपको इसके इस्तेमाल से पहले जाननी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, पाइलेक्स टैबलेट के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि पाइल्स आखिर होता क्या है। दोस्तों, बवासीर या पाइल्स एक ऐसी समस्या है जो ज़्यादा बढ़ने पर आपका सामान्य जीवन तो डिस्टर्ब करता ही है, साथ ही साथ इससे कई बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के एनस के अंदर व बाहरी हिस्सों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से एनस के अंदरूनी हिस्से या बाहर के हिस्से में स्किन जमा होकर मस्से जैसी बन जाती है और इसमें कई बार खून निकलने के साथ ही तेज़ दर्द भी होने लगता है। मल त्याग के दौरान जोर लगाने पर मस्से बाहर आ जाते हैं व बहुत तेज़ दर्द होता है व खून निकलने लगता है। दोस्तों, इस समस्या के कारण लोगों को बैठने में भी दिक्कत होती है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कई लोग तो शर्म के कारण शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि बाद में ये समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, पाइल्स की समस्या के जो मुख्य कारण हैं वो है, नंबर वन, कब्ज की समस्या। कब्ज के कारण पेट साफ नहीं रहता है व मल त्याग में जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से पाइल्स डेवलप हो जाता है। दूसरा है, जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं उन्हें भी बवासीर की समस्या हो जाती है। तीसरा है दोस्तों, पाइल्स का एक कारण मोटापा भी होता है। चौथा है, प्रेगनेंसी के दौरान भी कई महिलाओं को कब्ज और पाइल्स की समस्या हो जाती है। पांचवा है, डिलीवरी के बाद भी कई महिलाओं में ये समस्या हो सकती है। छठा है, यदि परिवार में किसी को बवासीर की समस्या है तो इसके होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बात करें इसके कुछ लक्षणों की तो वो हैं, मल त्याग के समय दर्द का होना और खून का आना, एनस के आसपास सूजन या मस्से का होना, एनस के आसपास खुजली का होना, मल त्याग के बाद भी ऐसा फील होना कि पेट साफ नहीं हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हिमालया की पाइलेक्स टैबलेट इस पर कैसे काम करती है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक दवा है जो मुख्यतः बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा, ये पाइलेक्स टैबलेट जो है एनस में होने वाली ब्लीडिंग को रोकती है। ये एनस से मल त्याग के दौरान होने वाले दर्द में आराम दिलाती है। दोस्तों, पाइलेक्स टैबलेट के इस्तेमाल से एनस के आसपास होने वाली खुजली में भी राहत मिलती है। पाइलेक्स टैबलेट के इस्तेमाल से कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। बात करें इसकी पैकिंग और कंपोजिशंस की तो दोस्तों, हिमालया ब्रांड की पाइलेक्स टैबलेट जो है 60 टैबलेट की पैकिंग में आती है। 130 रुपये MRP में इस समय आपको ये किसी भी मेडिकल शॉप में अवेलेबल हो जाएगी। बात करें इसके कंपोजिशंस की तो दोस्तों, इस पे होता है दारू हरिद्रा, जो कि घाव सुखाने व सूजन कम करने में काम आता है। दूसरा इसमें अमालकी होता है, जो कि हमें कब्ज से राहत दिलाता है। तीसरा होता है हरित की, इसे दवाओं का राजा भी कहा जाता है, ये एनस की सूजन को कम करता है। चौथा है विभीत की, इसे बहेड़ा भी कहा जाता है, ये एनस व उसके आसपास की खुजली को कम करता है। दोस्तों, पांचवा है अर्गवधा, ये कब्ज को ठीक करने के काम आता है। छठा है कंचनारा, ये बवासीर में मस्से घाव आदि को ठीक करता है। सातवां है नाग केसरा, ये पाइल्स में होने वाली ब्लीडिंग को रोकता है। दोस्तों, बात करें इसकी डोज की तो वयस्क और बुजुर्गों में पाइल्स टैबलेट की 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ दी जाती है। बच्चों को ये टैबलेट ना दें। गर्भवती महिला या बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं में बिना डॉक्टर के परामर्श के इस दवा को बिल्कुल ना दें। इस दवा के बेस्ट रिजल्ट के लिए पाइलेक्स टैबलेट के साथ साथ पाइलेक्स का ऑइंटमेंट भी दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इस ऑइंटमेंट को दिन में 3 बार एनल रीजन पर उंगली से या फिर इसके अंदर की स्टिक से अंदर तक लगाएँ।
दोस्तों बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो पाइलेक्स टैबलेट और ऑइंटमेंट जो है वो 100% आयुर्वेदिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। चिकित्सा साहित्य में इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स दर्ज नहीं किए गए हैं, फिर भी इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी जानकारी पाइलेक्स टैबलेट के बारे में, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।